इसमें रिफ्लेक्शन कम सी लगी। हाँ इसमें कम है। आज चलो हो गया स्टार्ट हो गया। चलो तो कल हम लोगों ने दिया था कि हमारे पास एक पीटी ग्राफ है ना, हमने पीटी ग्राफ दिया था शायद, और उसमें क्या बोला था, कुछ ऐसा था हमारे पास ए से बी, बी से सी और सी से ए, है ना? Yes, ये था। और हमने बोला था कि इसका हमें पीवी और पीटी ग्राफ बनाना है ना, पीवी पीवी और पीटी, प्लॉट पीवी वर्सेस मतलब पीवी एंड पीटी ग्राफ। चलो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीजें समझ लेनी है कि साइक्लिक है तो ग्राफ विल बी साइक्लिक, अनडाउटेडली साइक्लिक का साइक्लिक ही बनेगा। दूसरी चीज हमें ना जितने भी केसेस हो रहे हैं सब में ना प्रोसेस देख लो एक बार कि आइसोबारिक है, आइसोटोरिक है या आइसोथर्मल है। तो देखो ये कैसा प्रोसेस है, ए से बी, टेम्परेचर सेम, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल, तो ए से बी आइसोथर्मल, बी से सी प्रेशर सेम, टेम्परेचर चेंज, आइसोबारिक, बी से सी आइसोबारिक, सी से देखो बी कौन सा आइसोटोरिक, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर वही कर रहा है। हाँ तो बोलो ये कौन सा हो गया, आइसोटोरिक, और टू ए आइसोटोरिक। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेने में कोई बुराई नहीं। अब हमें क्या करना, बोलो किसका हम वीटी बना दे पहले। अब वीटी देखो, अब ये देख आइसोथर्मल में जो वो तीन ग्राफ बनाए थे ना, आइसोथर्मल में हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है, आइसोथर्मल है बाबा, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगी है ना, तो वॉल्यूम घटनी चाहिए, तो एरो नीचे की तरफ हो जाएगी, यानी ए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और बी नीचे, क्योंकि जैसे ए से बी की तरफ जाएगा तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये, तो ठीक। इसमें कहां आ जाएगा, बी ऊपर नहीं, ए ऊपर और बी नीचे। चलो अब यहां पे देखो बी से सी आइसोबारिक है, आइसोबारिक में देखो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, और यहां से पास होगा, इसको थोड़ा नीचे बना दो है ना, तो यहां से ये ग्राफ बना दो, दिस इज बी एंड दिस इज सी, नहीं आया समझ में? और अगला देखो क्या है हमारे पास, सी से ए, ये क्या चीज है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में देखो क्या हो रहा है, आइसोकोरिक में वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पक्की बात है आइसोकोरिक है ना, यस सर, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अब देखो यहां पे देखो ग्राफ कैसा क्या बता रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, पर टेम्परेचर यहां से यहां की तरफ जाएगा ना, डिक्रीज कर रहा है तो इट विल बी लाइक दिस। ये तो बना हमारे पास इससे वीटी ग्राफ। अब हमने पूछा था पीवी ग्राफ भी प्लॉट करना है ना, आ जाओ पीवी ग्राफ देखो बच्चों, प्रेशर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है, याद करो पीवी ग्राफ कैसा बना था, पीवी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना था, आगे समझ में, हमने ऐसे बनाया था कि प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, यहाँ पे क्या है प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम, तो बताओ कैसे होगा ये ग्राफ, प्रेशर बढ़ रहा है बी की तरफ, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो ग्राफ तो ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बता दो ए किधर है और बी किधर है, ए ऊपर है, ध्यान से देखिए, हाँ बी ऊपर है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, बी पॉइंट पे देख प्रेशर बढ़ रहा है ना, हाँ हाँ तो बी ऊपर ही होगा, ए ये रहा, तो एरो विल बी लाइक दिस। अब बी से सी आओ, बी से सी देखो आइसो आइसोबारिक, आइसोबारिक में देखो पीवी ग्राफ कैसा था, आइसोबारिक का क्या रहा है,
कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट है तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब देख ध्यान से, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना, टी टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम के बारे में क्या कह रहे हैं, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी हाँ, तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर कांस्टेंट है ना आइसोबारिक है तो वॉल्यूम इंक्रीज। चलो अब आगे बोलो, बैठे आओ, सीडो या कोरिडोर, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक क्या कहता है, वी इज दैट आइसोकोरिक, बोले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी देखो टेंपरेचर डिक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो बोलो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगी, वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगी, नहीं वॉल्यूम और प्रेशर, प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है, टेंपरेचर भी डिक्रीज होगा, टेंपरेचर भी डिक्रीज होगा, टेंपरेचर डिक्रीज डिक्रीज होगा, नीचे जाएगा, देखो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल, तो इसका कैसा ग्राफ बना है हमारे पास, ग्राफ देखो कैसा है, आइसोकोरिक में पीवी वर्टिकल लाइन होगी, डाउनवर्ड्स वर्टिकल लाइन नहीं है, डाउनवर्ड्स, बोलो समझ में आया, सिंपल सी बात क्या है, आपको वो नौ की नौ ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए, पीवी वीटी और पीटी तीनों केसेस, उनके केसेस के बेस पे हम लोगों की एजम्पशन चलने वाले कि कैसे एरो का ध्यान रखना बस इसमें, बाकी ग्राफ में आप कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है, एक ग्राफ और दिया था कल हम लोगों ने, अगर याद किया तो आप लोगों ने स्क्वायर बन गया, तो देखो हमने क्या बोला था, पीटी ग्राफ दिया था शायद, पीटी ग्राफ था हमारे पास ऐसे, ए बी सी डी, चलो ए से बी बोलो, प्रेशर बढ़ रहा है, हमें कौन सा बनाना है, वीटी बनाओ, पीटी बनाओ, वीटी बना लेते, चलो पहले आ जाओ, और नौ के नौ ग्राफ खोल के बैठो आप लोग, चलो देखो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगी, तो वॉल्यूम को घटाओ पहले, अच्छा यहाँ से यहाँ कौन सा वो है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक आइसोथर्मल आइसोबारिक, खत्म, दो ही प्रोसेस है, चलो अब ये क्या हुआ बच्चों, वॉल्यूम घट रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो पॉइंट बताओ कौन सा हो गया, तो ये ए हो गया हमारा है ना, और ये बी हो गया, चलो अब हमें बी से स्टार्ट करना, बी से देखो, बी से सी, प्रेशर सेम है, अगर प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगी है ना, जैसे जैसे कैसा भाई, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम एक यहां से ग्राफ बना दो, ऐसे नहीं आया पक्का, अब यहाँ की बात कहा जाओ, सीडी, सीडी में देखो प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा है ना, कुछ ऐसा नहीं है पक्का, ये ए ये बी ये सी, अब डी टू ए, अब देखो यहाँ से यहाँ डी टू ए क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है बट टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम के बारे में कम होगी, वॉल्यूम पक्का श्योर, ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये ऐसे करो और एरो दूसरी साइड, क्या पक्का, एरो दूसरी साइड तो ऊपर की तरफ ही तो है, ये रहा ना ए से बी बी से सी सी से डी डी से, डन पक्का, पीवी बनाओ इसका, जल्दी जल्दी बोल दो, पीवी बना दो, देखो हमें पीवी तो क्या बनता, नहीं हमें पीटी की बनता ना, अपन सो पीवी बनाना है, बनाओ एक बारी, ए से बी प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगी, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ए कहां बी कहां, B to C रहेगा, प्रेशर ऊपर ही है तो B ऊपर ही रहेगा और A नीचे नहीं आए, दूसरे में आइसोबारिक है, आइसोबारिक में क्या प्रेशर कांस्टेंट, तो ग्राफ भी स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक हियर हियर आल्सो, और क्या कह रहा है कि टेंपरेचर बढ़ रहा है, टेंपरेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, वेरी गुड वॉल्यूम बढ़ेगी, अगला देखो प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ऐसे है ना, सही है, हाँ, और दूसरे में टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
कम होगी, नहीं आया ये ए बी सी एंड डी, और ऐसे कन्वर्जन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। बस याद क्या रखना कि साइक्लिक बनेगा ग्राफ हमेशा बीच में से स्टार्ट करना, क्योंकि ये ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी शिफ्ट हो सकता है, और वो नौ फिगर आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आई? अब सुनो, अब हमें ना कुछ टर्म्स याद करनी है। जैसे आप लोगों ने वैसे थर्मो में पढ़ा होगा ये एडियाबेटिक वॉल, मतलब बताओ हीट एक्सचेंज नहीं होने वाला, कंडक्टिंग वॉल्स जो हीट होगी कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम है। डायथर्मिक, इसमें भी हीट का ट्रांसफर होता है, बट एज कंपैरिजन टू कंडक्टिंग वॉल्स, कंडक्टिंग वॉल्स में सडनली हीट ट्रांसफर होता है, इसमें धीरे 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 हीट ट्रांसफर होता है। बात समझ में आ गई? तीन वॉल्स बोलो कौन कौन सी, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कंडक्टिंग हीट एक्सचेंज होगी, डायथर्मिक एज कंपेरिजन टू कंडक्टिंग, इसमें स्लोली स्लोली हीट एक्सचेंज होती चली गई। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हम एक कंटेनर बनाएंगे, है ना, कंटेनर में क्या करेंगे हम लोग, एडियाबेटिक वॉल्स लगाएंगे, कंडक्टिंग पिस्टन लगाएंगे, एडियाबेटिक पिस्टन लगाएंगे, अच्छा एडियाबेटिक को नॉन कंडक्टिंग भी बोल देंगे हम लोग, बात एक ही है, और फिर हम पिस्टन को फिक्स कर देंगे, उसको देखेंगे कि एडियाबेटिक होने से कंडक्टिंग होने से क्या वेरिएशन आती है, और उनके बेस पे छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में अप्रोच बन जाए कि कभी भी अगर मेरे पास एडियाबेटिक आ जाए, कंडक्टिंग आ जाए, एडियाबेटिक कंडक्टिंग का सिस्टम आ जाए, एडियाबेटिक डायथर्मिक का सिस्टम आ जाए, एडियाबेटिक नॉन कंडक्टिंग या एडियाबेटिक का ही सिस्टम आ जाए, तो हमें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसे अपने आप में इक्वेशन सेट करनी होती है, ठीक है ना। चलो इसको उतार लो, अगर हम बात करें हमारे पास तीन वॉल्स जाने वाली है एडियाबेटिक, ठीक है बच्चों, और कंडक्टिंग, एडियाबेटिक को ही नॉन कंडक्टिंग भी बोल देंगे, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड डायथर्मिक। चलो बोलो, नॉन हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज स्लोली, हाँ स्लोली स्लोली कहा है ना, कौन सा, अच्छा देखो, मानो कि मेरे पास ये कंटेनर है और इसकी जो वॉल्स है ना बाबा, एडियाबेटिक वॉल्स है, ठीक है, एडियाबेटिक वॉल्स है। अब मैंने क्या किया, इसमें गैस भर दी, ऐसे मान के चल, और इसमें क्या किया, अच्छा अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा मैंने शायद इसमें भी एक एडियाबेटिक वॉल लगा दी, तो सिंपली अगर मैं इसको जज करूं तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली तो आइसोलेट बॉक्स बन गए हैं ना, इसमें भी कुछ गैस होगी, इसमें भी कुछ गैस होगी, गैस कितनी है, दोनों की वॉल्यूम सेम है अलग अलग है, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें मान लो इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर P1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, वॉल्यूम के बारे में छोड़ भी दो भले, P2 टेम्परेचर, P2 प्रेशर, T2 टेम्परेचर, एडियाबेटिक कंटेनर, एडियाबेटिक वॉल, और जो पिस्टन है, ये वाला पिस्टन जो है ये फिक्स है, फिक्स एडियाबेटिक है, तो क्या करें, केस नंबर 1, व्हाट अबाउट प्रेशर, व्हाट अबाउट टेम्परेचर, हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि प्रेशर सेम रहा होगा इनका आपस में, जो प्रेशर था, टेम्परेचर में भी कोई वेरिएशन, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है बच्चों और फिक्स्ड है, तो ना ये मूव करेगा ना ये हीट एक्सचेंज करने देगा, तो जो भी इनका रहा होगा वो एज इट इज रहा होगा। अब देखो केस नंबर 2 में क्या करूं, जो ये पिस्टन है ना, ये मैंने नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग, अच्छा नॉन कंडक्टिंग ही मान लो कि नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है, बट ये मूवेबल है, तो मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा क्या, प्रेशर में चेंज आएगा क्या, हाँ, क्योंकि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलेगा जब तक दोनों का प्रेशर सेम, तो सेम प्रेशर, प्रेशर सेम आ जाएगा। चलो केस नंबर 2 देखो कि अब मैंने जो ये पिस्टन है ना, ये मैंने कंडक्टिंग पिस्टन ले लिया और फिक्स्ड ले लिया, फिक्स्ड, बोलो क्या करेंगे,
कंडक्टिविटी चेंज होगा, तो हाँ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि हीट कंडक्ट करेगी हायर से लोअर, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम, तो टेम्परेचर सेम। अगला देखो कंडक्टिंग है और मूवेबल है, बोलो कंडक्टिंग भी है और मूवेबल भी है, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम हो जाएंगे, बात समझ में आ रही। ऐसी कंडीशन हमें समझ में आनी भी चाहिए कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है। अब देखो क्या हुआ, बोला क्या कि एक कंटेनर में ना गैस भर दी, इनिशियली गैस का जो प्रेशर था वो पी नोट था, ठीक है बच्चों, हाँ ये प्रेशर पी नोट, वॉल्यूम वी नोट और इसका इनिशियल टेम्परेचर टी नोट, ठीक है। यहां पर एक पिस्टन लगाया एडियाबेटिक, ये वॉल्स भी एडियाबेटिक है और ये पिस्टन भी एडियाबेटिक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, डन है। हाँ अब इन्होंने क्या किया, इसमें ना एक हीटर लगा दिया, बाहरी प्रेशर टी नोट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ हीटर लगा दिया, हीटर लगाने से क्या हुआ, इसने गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करना स्टार्ट किया तो बोला गया जब टेम्परेचर टी से टू टी नोट हो जाएगा, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम टी से टू टी नोट, तो बताओ ये जो पिस्टन है ये कितना डिस्प्लेस करेगा, ये क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन जब टेम्परेचर टी नोट से टू टी नोट हो गया। अब पहले बताओ इनिशियली प्रेशर दोनों तरफ सेम था, अब बाद में प्रेशर क्या रहेगा, सेम, क्योंकि भैया देखो, अच्छा एक चीज हो, टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर सेम है, आइसोबैरिक प्रेशर, क्योंकि अब कोई है ना। और अच्छा एक चीज और बताओ, जब ये मूवमेंट होगा ना बच्चों, ये मेंशन किया गया कि जो ये पिस्टन का मूवमेंट है ये बहुत स्लोली है, बहुत स्लोली, स्लोली का मतलब बताओ, एफरेंट जीरो, एफरेंट जीरो मतलब जितना अंदर से फोर्स लग रहा है उतना ही बाहर से, यानी अंदर से कितना लग रहा है पी नॉट इनटू ए, बाहर से भी कितना लग रहा है पी नॉट इनटू ए, यानी एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी हम क्या समझे कि थ्रू आउट दिस प्रोसेस प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अच्छा प्रेशर में वेरिएशन नहीं आएगा और क्या चीज सेम रहेगी, गैस है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, है ना। अब क्या करना है, हमें इतना समझ में आ गया कि ये टी नोट से टू टी नोट तक प्रेशर सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, हमें निकालना है कि फाइनल इसमें कितना ही, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे स्लोली स्लोली प्रोसेस है, हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, हाँ तो ये यहाँ कहीं पे डिस्प्लेस हो गया होगा, तो अपन को ये एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, वही पिस्टन, ये वाला पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया ना, अब क्या करें, देखो प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम बड़ी होगी तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी वी बाय टी दिस इज इक्वल टू एन इन टू आर, पी को भी उधर लेके जाओ तो वी बाय टी मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखो ना पी वी दिस इज इक्वल टू एन आर टी, तो वी बाय टी का रेशियो क्या हो गया बच्चा, एन आर टी। अब यहां से देखिए पूरा राइट हैंड साइड पे टर्म्स कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं v इनिशियल बाय t इनिशियल कांस्टेंट इज इक्वल टू v फाइनल बाय t फाइनल, ये रहना चाहिए, v इनिशियल बोल रहा हूं v नो v इनिशियल t नॉट v फाइनल अपन को नहीं पता, और t नॉट इनटू 2, t ने t को मारा तो v फाइनल कितना आ गया बच्चों 2 इनटू v बाय, हां 2 इनटू v नॉट, अब v फाइनल कितनी, पहले ये था v नॉट, अब v फाइनल यहां से यहां तक हुई है, यानी ये v नॉट प्लस ये वाली वॉल्यूम कैसे निकाले, इनटू x, हां a इनटू x, तो v फाइनल को क्या लिख सकते हैं, v नॉट प्लस a इनटू x दिस इज इक्वल्स टू 2 v नॉट, नहीं आया बच्चों, हां हां बोलो आ गया, बस आ गया आंसर, तो v ax को v नॉट आ गया ना, हैं ax v नॉट आ गया, देखो तो सही ax किसके बराबर है v नॉट, तो x के वैल्यू किसके बराबर है क्या
भाई वॉल्यूम जितनी पहले थी बात भी उतनी रही। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या बुरा हो गया? अच्छा लगा मुझे तेरा दिमाग। नहीं नहीं कोई नंबर नहीं काटेगा भाई। जो भी देखो बेसिकली हमारा मेन मोटो क्या होता है, जो हमें गिवन पैरामीटर्स होते हैं ना उसी की टर्म्स में हमें आंसर को लेके आना होता है, ठीक है ना। अगर हम कुछ चीजें मान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप ही कैंसिल आउट होती दिखाई दे जाएंगी आपको, अगर आपकी अप्रोच सही है तो। अब हमें गिवन ये था ना वी नॉट ए एक्स एक्स से हमें कैलकुलेट करना था, तो हमें हमारा आंसर किसकी टर्म्स में, वी नॉट वाई, वी नॉट भी पता था और ए भी पता था। ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो, अभी हम बात करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का। कल हम लोगों ने मैक्सवेल के बारे में बताया था, dN by dV का रेशियो बनाया था विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, और हम लोगों ने वहां से देखा था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आई थी अंडर रूट 2 RT / m नॉट, है ना। चलो आगे देखो, अब इसमें ना बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि जब हम लोग dN by dV का रेशियो बनाते हैं, ये dN by dV समझ में आ गया था, v से लेके v प्लस dv के बीच में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास ये ग्राफ आया था, ठीक है। ये क्या बना था बच्चों हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल, है ना, vmp। अब ऐसे आपके पास अगर क्वेश्चन आते बच्चों कि एक ये वाली वेलोसिटी के बारे में बात कर लेगा, अच्छा अगर मैं इसको v1 बोल दूं, इसको v2 बोल दूं और इसको v3 बोल दूं, तो पूछा जाता है अरे यूं दैम इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वैसे तो हमें समझ में आ ही जाते हैं कि v3 सबसे बड़ी है, v2 उससे कम है, v1 सबसे कम है, बट सबसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन है, v1, क्योंकि v1 वाली स्पीड के जितने भी पार्टिकल्स है उनका नंबर बहुत ज्यादा है, पहली बात तो ये। इसी को हम vmp बोलते हैं, इसी को v एवरेज बोलते हैं, और ये vrms होता है, ध्यान रखना है। इसी ग्राफ में सब कुछ उसने बता दिया, तो v मोस्ट प्रोबेबल का जो डायरेक्शन मतलब जो फार्मूला आया था वो आया था अंडर रूट 2 RT / m, किसी भी गैस के लिए अगर मैं बात करूं किसी भी गैस के लिए तो हमारा m नॉट कांस्टेंट होगा, 2 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो हमने देखा था यहाँ का एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता था बच्चों जल्दी बोलो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ऐसे बहुत बेसिक से ग्राफ पूछे जाते हैं, अगर कोई मेरे से पूछे कि यहाँ पर दो गैसेस के लिए जिनका मोलर मास आपको ma और mb दे दिया है अलग अलग टेम्परेचर पे, हाँ ma और mb दे दिया सेम टेम्परेचर पे, दो ग्राफ हमें प्लॉट कर दी गई है, ये dv by dn का रेशियो है विद स्पीड v, और यहाँ पे बोला गया एक ग्राफ तो ये रहा, एक का ग्राफ कुछ ऐसा आया है आपके पास, ठीक है, नीले वाली को ए मान लो, ब्लू और रेड वाली को बी मान लो, दोनों का टेम्परेचर सेम है और इनका मास मोलर मास एम ए है और दूसरे वाली का एम बी है। बोला कि अब बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम ए एंड एम बी, कौन बड़ा है कौन ज्यादा है, एम ए बड़ा है एम बी से, एम बी बड़ा है एम ए से, दोनों बराबर है, या हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ब्लू वाला एम ए है, हाँ दिस वन इज ए दिस वन इज बी, और हमें बता टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वेरी गुड सर, टेम्परेचर सेम है तो देखो ऊपर वाली टर्म कांस्टेंट है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ गया, जिसका v ज्यादा है उसका मास, जल्दी बोलो किसका v ज्यादा है, ये बेबी ये वो मोस्ट प्रोबेबल है स्पीड, है ना, देखो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसकी x एक्सिस पे है ना, जिधर जिधर इधर जाते चले जाएंगे उतनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल ये भी उसकी मोस्ट प्रोबेबल ये भी, तो v की ज्यादा है मतलब v की ज्यादा है तो मास उसका कम होगा, बोले इतना समझ में आया। अब देखिए आप लोगों को केमिस्ट्री में ये सब चीजें बताई जाती होगी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाती चली जाती है तो जो ये शेप होती है ये फ्लैटन होती चली जाती है, रीजन समझ, इन्हीं दोनों चीजों को कंपेयर करा देता हूँ। मान लो इसका टेम्परेचर टी वन था, इसका टेम्परेचर टी टू था, और ये बोल दिया जाता है कि टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि t2 is greater than t1 है तो जाहिर बात है स्पीड बढ़ने वाली है, तो बढ़ भी रही है, बट ये जो कर्व शेप थी पहले बेल शेप होती है, ये पहले ऐसी थी फिर ये फ्लैटन होती जा रही है, रीजन क्यों, रीजन भी समझ में आता है भाई, ये तो पक्की बात है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, तो मोस्ट प्रोबेबल पहले यहां था अब शिफ्ट हो जाएगा,
अगर सेम कर्व में शिफ्टिंग हो गई तो जाहिर बात है एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ गया तो क्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक ऐसे में तो सेम ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। तो इसको हमेशा अपना एरिया कैसा मैनेज करना है कि वेलोसिटी बढ़े या घटे, तो ये अपने आप एरिया की शेप ऐसी ले लेता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा क्या रहे, कॉन्स्टेंट। ध्यान रखना, तो ये जो कर्व फ्लैट होती है ना टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से फ्लैटन हो जाती है। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाती है, बट इसको एरिया को ऐसे मैनेज करना कि लाल वाले का एरिया देखो और नीले वाले का एरिया देखो, दोनों का एरिया क्या आना चाहिए सेम, क्योंकि सेम भाई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल ऑलवेज रिमेन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पीक ऊपर की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है। समझ में आ गया? ये मोस्ट मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रिजल्ट्स थे जिनको आपको हमेशा दिमाग में रखना है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे ये राइट की तरफ एम्पी शिफ्ट होता चला जाएगा और जो कर्व है वो फ्लैटन होती चली जाएगी, क्योंकि वो एम्पी तो बढ़ रहा है तो उसको अपने एरिया को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर केस में हमेशा क्या है सेम आते चले। बात समझ में आए? अब सुनो, अब हम बात कर रहे हैं, चलो इसको उतार लो।